हेलो स्टूडेंट, आवर टुडेज टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ द एरर। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है त्रुटियों का संयोजन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ द एरर में अपन ने कल डिस्कस करा था कि कॉम्बिनेशन ऑफ द एरर इन एडिशन और कॉम्बिनेशन ऑफ द एरर इन सब्ट्रैक्शन। और इसमें अपन ने बताया था कि भाई जो कॉम्बिनेशन ऑफ द एरर के कारण जो मीन एब्सोल्यूट एरर आती है वो दोनों फिजिकल क्वांटिटीयों की एब्सोल्यूट एरर के सम के इक्वल होती है। ये चीज़ अपन ने कल डिस्कस कर ली थी, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो। तो आज अपन डिस्कस करेंगे क्लास 11th चैप्टर 01 या 02 जो भी है, ठीक है। और अपना टॉपिक है थर्ड वन, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन प्रोडक्ट। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन, जैसे भी बोलना चाहो। तो मतलब इसमें हिंदी में बोलते हैं इसको गुणन में त्रुटि, गुणन में त्रुटि, ठीक है बेटा। अब कैसे करेंगे कि माना कि लेट जेड एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो ए और बी के प्रोडक्ट से बनती है। तो मतलब लेट जेड इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ टू अदर फिजिकल क्वांटिटी ए एंड बी, ठीक है। कि मतलब भाई जेड एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, जेड एक ऐसी भौतिक राशि है जो ए और बी के प्रोडक्ट के कारण बनती है, ठीक है। तो यहाँ से अपने को एक समझ में आ रहा है, जो पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या आता है कि जेड बराबर ए डॉट बी, ये हो गई इक्वेशन वन। अब क्या करेंगे, तो अपने को पता है कि भाई जो मेजर्ड वैल्यू ऑफ जेड या मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए, तो ये चीज़ अपन ने भी कल डिस्कस करी थी, मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए इज, तो ए एम बराबर ए प्लस माइनस डेल ए, ओके। इसी प्रकार से मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी इज बी एम बी प्लस माइनस डेल बी, ओके। और मेजर्ड वैल्यू ऑफ जेड इज जेड एम जेड प्लस माइनस डेल जे। अब यहाँ से ये तो हो गई रियल वैल्यू, अब यहाँ से मेजर्ड वैल्यू ऑफ जेड अगर मैं बोलूँगा तो कैसे आएगा, मेजर्ड वैल्यू ऑफ जेड इज, तो जेड एम बराबर द प्रोडक्ट ऑफ ए एम एंड पी एम, द प्रोडक्ट ऑफ ए एम एंड बी एम। भाई जो ए की मेजर्ड वैल्यू होगी और जो बी की मेजर्ड वैल्यू होगी उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा जेड एम, ठीक है भाई। ए एम की वैल्यू ये रही, बी एम की वैल्यू ये रही और जेड एम की वैल्यू ये रही, पुट कर देते हैं इसके अंदर। तो देखो भाई क्या हो जाएगा, जेड प्लस माइनस डेल जेड इज इक्वल्स टू ए एम, तो ए प्लस माइनस डेल ए, फिर सॉरी मल्टीप्लाई बी प्लस माइनस डेल बी, यहाँ तक ओके, ठीक। अब देखो ये दो क्वांटिटी तो दो को दो से गुणा करेंगे तो चार, अरे हाँ ठीक है बेटा। तो देखो जेड प्लस माइनस डेल जेड, ए को बी से मल्टीप्लाइड करा ए बी, ए को डेल बी से गुणा करा तो ए डेल बी, और डेल ए को बी से मल्टीप्लाइड करा तो बी डेल ए, और डेल ए को डेल बी से गुणा करा प्लस माइनस डेल ए इंटू डेल बी, यहाँ तक क्लियर, ठीक।
अब देखो अपने को पता है ए इंटू बी जो कि जेड के इक्वल होता है, जो कि जेड के इक्वल होता है कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन वन से। तो यहाँ से ये वैल्यू और ये वैल्यू गई, तो यहाँ बचेगा क्या, प्लस माइनस डेल जेड इज इक्वल्स टू ए डेल बी प्लस माइनस बी डेल ए और प्लस माइनस डेल ए डेल बी। मैं क्या करता हूँ, इस पूरी की पूरी टर्म्स में ए बी का डिवाइड कर देता हूँ। अगर इधर तो जेड का डिवाइड करता हूँ और इधर भी जेड का, लेकिन ये जेड किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल। तो मैं क्या लिख देता हूँ, ये इक्वेशन थ्री एज्यूम कर लेते हैं और यहाँ लिख सकते हैं इक्वेशन थ्री इज डिवाइडेड बाई जेड और जो कि ए इंटू बी के इक्वल होता है। ठीक है, देखो करते हैं। वाह, यहाँ पर कर लेता आराम से। तो देखो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल जेड अपॉन जेड प्लस माइनस, तो ए डेल बी प्लस माइनस अपॉन ए बी, बी डेल ए अपॉन ए बी एंड डेल ए डेल बी ए एंड बी। क्लियर है, क्योंकि जेड इज इक्वल टू ए बी, इधर तो मैंने जेड से डिवाइड करा और उधर ए बी से डिवाइड कर दिया। ठीक है भाई, अब देखो जो कट रहा उसको काटो। ए ने ए को मारा, बी ने बी को मारा, इधर कोई नहीं मर रहा। ठीक है, आगे चलते। प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए और प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए मल्टीप्लाई डेल पी अपॉन बी। यार ये ऑलरेडी रिलेटिव एरर है। अब देखो इसको चीज़ को समझना, मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास एक रियल वैल्यू है वो कितनी आ रही है। मान लो मैंने बोला कि मैं 60 की रफ्तार से चल रहा हूँ, बाइक चला रहा हूँ, और जो डिजिटल मीटर है वो 60 दिखा रहा है, जबकि एक एनालॉग मीटर है वो दिखा रहा है 58। तो एरर कितने की हुई, दो की। एरर कितने की आई, दो की। अब अगर एरर दो की आई तो एरर बड़ी कि फिजिकल क्वांटिटी का मेजर्ड वैल्यू बड़ी, मेजर्ड वैल्यू बढ़ी। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि अगर इन दोनों की बात करी जाए तो डेल ए वेरी 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 स्मॉल टू ए। क्लियर है, नहीं है, मतलब कि एरर बहुत ज़्यादा छोटी होती है उस फिजिकल क्वांटिटी के मेजर्ड वैल्यू के रेस्पेक्ट में, या उस फिजिकल क्वांटिटी की एग्जैक्ट वैल्यू के रेस्पेक्ट में। तो ए को नीचे ले लेते हैं, तो डेल अपॉन ए इज वेरी 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 लेस देन टू वन। अगर डेल ए अपॉन ए वेरी वेरी लेस देन टू वन है तो डेल बी अपॉन बी इज ऑल्सो वेरी 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 लेस देन टू वन है। तो डेल ए अपॉन ए और डेल बी अपॉन बी दोनों की दोनों क्वांटिटी एक से छोटी है, स्मॉल है। और जब एक से छोटी क्वांटिटियों का प्रोडक्ट करूँगा तो वो और छोटी हो जाती है। करके देख लो, 0.1 इंटू 0.1 तो ये कैलकुलेट हो जाएगा 0.0। तो इन दोनों से ये क्वांटिटी और छोटी है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो डेल ए अपॉन ए है डॉट डेल बी अपॉन बी इज वेरी 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 स्मॉल टू वन। तो ये जब एक से बहुत ज़्यादा छोटा है भाई, तो तुम उसको क्या बोल सकते हो, नेगलेक्ट कर सकते हो, नेगलेक्टेड क्या कर सकते हो, जीरो। अरे भाई जब एक से छोटी है तो ये काउंट ही नहीं करेंगे ना, तो क्या मान लेंगे इसको, जीरो। तो मिलेगी क्या, तो टर्म्स बच जाएगी प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड बराबर प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। इक्वेशन फोर। अब द पॉसिबिलिटीज, पॉसिबल रिजल्ट ऑफ इक्वेशन फोर इज, अपने को पता है, प्लस डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी।
प्लस डेल ए अपॉन ए माइनस डेल बी अपॉन बी माइनस डेल ए अपॉन ए और माइनस डेल बी अपॉन बी माइनस डेल ए अपॉन ए और प्लस डेल बी अपॉन बी, ये चार पॉसिबिलिटीज। लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज कौन सी है? यही है कि प्लस में तो ये रह रही है लेकिन है तो दोनों अंडर वैल्यू प्लस में, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज ऑफ रिजल्ट ऑफ इक्वेशन फोर इज, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी निकाल लेते हैं तो देखो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी, प्लस माइनस से प्लस माइनस कैंसिल, तो डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी, दैट इज द इक्वेशन नंबर फाइव। भाई इक्वेशन फाइव क्या रिप्रेजेंट कर रही है, अरे क्या कर रही है, ठीक, तो ये क्या है, द रिलेटिव एरर इन जेड, द रिलेटिव एरर इन जेड इज इक्वल टू सम ऑफ रिलेटिव एरर इन ए एंड रिलेटिव एरर इन बी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इक्वेशन फाइव रिप्रेजेंट दैट द रिलेटिव एरर इन Z is equal to sum of relative error in A and B। बोलो ये क्लियर है या नहीं है? मतलब कि अगर Z एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो A और B के प्रोडक्ट से बनी है, जो A और B के प्रोडक्ट से बनी हैं, तो उसके अंदर जो रिलेटिव एरर आएगी वो उन दोनों फिजिकल क्वांटिटीयों में रिलेटिव एरर के सम के इक्वल होगी। मैं पहले बात कर रहा हूँ रिलेटिव एरर की, जबकि यहाँ पर अगर ये चीज़ एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था एब्सोल्यूट एरर की, क्लियर है? अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ पर आता एब्सोल्यूट एरर, लेकिन अगर यहाँ पर प्रोडक्ट है तो यहाँ पर आएगा रिलेटिव एरर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो आराम से इसको एक बार पढ़ सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके बेटा, हाँ अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो अपना है कॉम्बिनेशन ऑफ द एरर इन डिवीजन, मतलब भागफल में त्रुटि। ठीक है, तो अपना फोर्थ कॉम्बिनेशन ऑफ द एरर इन डिवीजन, भागफल में त्रुटि। सेम, एक फिजिकल क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द डिवीजन ऑफ टू अदर फिजिकल क्वांटिटी ए एंड बी, तो डिवीजन है तो ए अपॉन बी, तो यहाँ से इसकी जो मेजर्ड वैल्यू आएगी ये ए एम अपॉन बी एम, तो यहाँ से भी जो इन दोनों का आएगा डिवाइड है। अब बाकी की बाकी टर्म्स बेटा पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। अब यही जो चीज़ है ना, ये अपने को सोल्व करनी है और कहाँ तक करनी है, ये रिजल्ट आएगा यहाँ तक, ये यहाँ तक। अब देखो कैसे, थोड़ा अलग तरीके से चलते हैं, तो मैं इस पूरे को मिटा ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अपने को वापस पूरा का पूरा कर लेंगे। हाँ अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो भाई डिवाइड हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, जेड प्लस माइनस डेल जेड, ऊपर वाले में ए कॉमन ले लेता, तो वन प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, नीचे वाले में बी कॉमन ले लेता हूँ, तो वन प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। ठीक है यहाँ तक। अब देख ए अपॉन बी, अपने को पता है ए अपॉन बी जेड के इक्वल होता है,
तो ये जो क्वांटिटी है ये बन जाएगी जेड किससे, फ्रॉम इक्वेशन वन से। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, इस जेड को इस जेड से उड़ा देंगे, ठीक है, उड़ जाएगा ना, नहीं उड़ेगा बेटा, कभी भूल के भी गलती मत कर देना है। तो ये जेड, ये जेड, अब देखो इसका जेड कॉमन लेंगे, तो ये जेड कॉमन लिया तो वन प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल्स टू जेड, वन प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए और वन प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी की पावर माइनस वन, क्योंकि ये पावर वन है और ऊपर जाएगा तो ये पावर होगी माइनस वन। अब ये जेड दोनों मल्टीप्लिकेशन में तो ये कट सकते हैं, क्लियर है ये यहाँ तक, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से अपन इसको सोल्व करते हैं, तो वन प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड, वन प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए और वन प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी का इन्वर्स। अब ये इन्वर्स ही सोल्व कर ला, यही है एक चीज जो किसी भी बुक में तुम्हें नहीं मिलेगा कि इसको सोल्व क्यों करा और कैसे करा। तो देखो इसको जो सोल्व करता है ना, इस पूरी वैल्यू को दिमाग में एक्स मान लिया, तो इसका एक फॉर्मूला बनता है फ्रॉम बाइनोमियल, बाइनोमियल एक्सपांसन, एक बाइनोमियल एक्सपांसन है जिससे इसका फॉर्मूला बनता है। तो क्या बनता है भाई, तो वन प्लस एक्स की पावर एन, वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। अब ये सर ये फैक्टोरियल क्या चीज़ आ गई, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल तरीके से याद रखना, टू फैक्टोरियल टू इंटू वन, थ्री फैक्टोरियल थ्री इंटू टू इंटू वन, फोर फैक्टोरियल फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, ये फैक्टोरियल है, ठीक है, याद रखना बस। हाँ अब देखो अपने को बताया डेल बी अपॉन बी जो वैल्यू है वो ऑलरेडी लेस देन वन है, ठीक है, तो यहाँ पर वन प्लस एक्स की वैल्यू डेल बी अपॉन बी, अभी प्लस लेते हैं और ये हो गया पावर माइनस वन, तो वन एन की वैल्यू माइनस वन और एक्स की वैल्यू डेल बी अपॉन बी, एक 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 स्टेप चलते फिर प्लस प्लस एन की वैल्यू माइनस वन, माइनस वन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एक्स डेल बी अपॉन बी का होल स्क्वायर एंड सो, यहाँ तक क्लियर है बेटा, ठीक है। देखो जिसकी मैथ्स अच्छी है ना उसको बहुत जल्दी समझ में आएगा, बाकी बायो वालों को थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता। तो देखो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस डेल बी अपॉन बी प्लस माइनस, तो ये हो गया टू, टू से टू कैंसिल तो प्लस डेल बी अपॉन बी का होल स्क्वायर एंड सो। अब भाई एक बात बताओ, अपने को यहाँ से पता है कि डेल बी अपॉन बी इज वेरी 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 लेस देन टू वन, तो इसका स्क्वायर करेंगे, डेल बी अपॉन बी का स्क्वायर इज ऑल्सो वेरी 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 लेस देन टू वन, तो अब क्यूब करोगे तो और छोटा होगा, वो चार पावर लोगे तो और छोटा होगा, तो मतलब ये वैल्यू जो स्क्वायर के बाद वाली वैल्यू है वो एक से बहुत ज़्यादा छोटी होती जा रही है। तो स्क्वायर के बाद की जितनी भी टर्म्स आएगी, यहाँ से लेके जितनी भी टर्म्स आएगी उनको अपन क्या कर देंगे, नेग्लेक्टेड कर देंगे, मतलब उनको अप्रोक्सीमेट क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। तो क्या बन जाएगा, वन प्लस डेल बी अपॉन बी माइनस इक्वल हो जाएगा वन माइनस डेल बी अपॉन बी, ये बाइनोमियल का सॉल्यूशन बोल सकते हैं। अब तुम बोलोगे सर यहाँ माइनस भी तो है, तो माइनस लगा दे, यहाँ माइनस लग जाएगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा, ये चीज़ समझ में आ रही है। तो अब ये जो रिजल्ट है ये अपन यहाँ यूज करेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, तो वन प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड, वन प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए और वन माइनस प्लस डेल बी अपॉन बी, क्योंकि वन प्लस माइनस डेल बी इनवर्स था, लेकिन ये इनवर्स इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये यहाँ चिपका दिया, बोलो चिपका सकता हूँ नहीं चिपका सकता, हाँ।
अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे को, तो वन प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड, एक 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 टर्म्स, ये दो टर्म्स और ये दो टर्म, तो दो टर्म्स इस दो टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो कितनी आएगी, चार, एक माइनस प्लस डेल बी अपॉन बी, फिर प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, फिर प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए मल्टीप्लाई डेल बी अपॉन बी, कोई दिक्कत नहीं है तो प्लस माइनस ही। अब वही सेम चीज़ मल्टीप्लाई वाली में आ गई, ये ऑलरेडी फिर लेस देन कम वेरी वेरी लेस देन टू वन, तो इस टर्म्स को भी क्या कर सकते हैं अपन, नेग्लेक्टेड अप्रोक्सीमेट इक्वल टू जीरो, इस वन ने इस वन को मार दिया, तो प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए माइनस प्लस डेल बी अपॉन बी, इक्वेशन नंबर वन टू, और ये मान लो इक्वेशन थ्री, ये फोर, और ये इक्वेशन फाइव। अब इस इक्वेशन फाइव की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, वही चार, द रिजल्ट ऑफ पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी ऑफ इक्वेशन फाइव इज डायरेक्ट प्लस प्लस हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, माइनस माइनस हो सकता है, और माइनस प्लस हो सकता है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या होगी वही देखते हैं। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम, ठीक है, क्योंकि अभी इसका कुछ पार्ट बचा हुआ तो वो भी तो करना पड़ेगा, हाँ ठीक है, ओके बेटा। देखो मैं ये यहाँ से मिटा रहा हूँ, अब देखो यहाँ से प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड, तो यहाँ से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी अगर मैं बोलूँ तो ये हो जाएगी कौन कौन से, सॉरी टोटल पॉसिबिलिटी बोलूँ तो प्लस डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी, फिर प्लस डेल ए अपॉन ए और माइनस डेल बी अपॉन बी, फिर माइनस डेल ए अपॉन ए और माइनस डेल बी अपॉन बी, फिर माइनस डेल ए अपॉन ए और प्लस डेल बी अपॉन बी, ये चार पॉसिबिलिटी होगी। लेकिन भाई मैक्सिमम पॉसिबिलिटी सेम वही चीज, ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ रिजल्ट ऑफ इक्वेशन फाइव इज, तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस डेल पी अपॉन बी, ये होगी तुम्हारी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। अरे हाँ या ना, आया, ठीक। अब देख ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस गया तो बचेगा क्या, तो बचेगा क्या, डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी, इक्वेशन सिक्स। और इक्वेशन सिक्स भी क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर जेड एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो ए और बी के डिवाइड से बनती है, तो उसके अंदर जेड के अंदर जो रिलेटिव एरर होगी वो ए और बी में रिलेटिव एरर के सम के इक्वल होगी। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन सिक्स इज रिप्रेजेंट दैट द रिलेटिव एरर इन जेड इज इक्वल टू सम ऑफ रिलेटिव एरर इन ए एंड पी। सेम चीज बनी नहीं बनी, जो तुमने प्रोडक्ट में करी थी वो की वो चीज़ तुम्हारे डिवाइड में आई नहीं है,
सेम चीज़ आ रही है। मतलब कि अगर मैं बोलूँ चाहे डिवाइड हो चाहे प्रोडक्ट हो, जो रिलेटिव एरर होगी ना उनकी, वो उन दोनों फिजिकल क्वांटिटीयों के रिलेटिव एरर के सम के इक्वल होगी। ठीक है, कल इसके ऊपर अपन न्यूमेरिकल बेस करेंगे कि इन चारों पर किन किन टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं। अभी अपन थोड़ा बहुत इसके ऊपर भी देख सकते हैं, एक न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए है ना, चलो मैं यहाँ से इसको रफ कर देता हूँ। अब देख लो भाई, अब करते हैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल जो इनसे मिलकर बना। ठीक है, कैसे आएगा कि एक ए दे दी तुम्हें, मतलब टी वन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट दे दिया एक्स, है ना, डिस्प्ले मेजर्ड वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना दिया 10 ± 0.1 मीटर। ओके बेटा, और टाइम दे दिया टी, कितना दे दिया 2 ± 0.1 सेकेंड, ये टाइम दे दिया। तो टाइम के अंदर है और डिस्प्ले, और तुम्हें पूछा Vm, फाइंड आउट द वेलोसिटी। तो अपने को पता है जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के किससे बनती है, डिवाइड से बनती है। तो यहाँ से जब सॉल्यूशन होगा तो तुम्हें पता है कि Vm बराबर xm अपॉन tm मीटर पर सेकेंड, ये सबको पता है। अब इसकी जो मेजर्ड वैल्यू होगी Vm की, V प्लस माइनस डेल V, तो V अलग निकलेगा और डेल V अलग निकलेगा। तो V कैसे निकालेंगे, तो V बराबर रियल वैल्यू X की और T की भी रियल वैल्यू, तो कितना 10 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। बोलो ये चीज़ ओके है। ठीक है, अब आता है डेल V, तो डेल V अपॉन V किससे बनता है, X से ना, तो डेल X अपॉन X प्लस डेल T अपॉन T, इस फॉर्मूले से निकलेगा ये डेल वी। अब देख डेल वी तो निकालना है, वी तुम्हारे पास है कितना 5, डेल एक्स कितना है तुम्हारे पास सॉरी 0.1, एक्स कितना है 10, डेल टी कितना है 0.1 और टी कितना है 2। ये क्लियर है बेटा? ठीक, तो डेल वी इज इक्वल्स टू 5, ये हो जाएगा 0.01 + 0.05। क्लियर है? ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.06, तो 5 × 0.06 और 5 तो 0.30, ये आ गया डेल वी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, मेजर्ड वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज Vm V प्लस माइनस डेल V। अब तुम्हारे पास V की वैल्यू भी है और डेल V की वैल्यू भी है, तो Vm V की वैल्यू कितनी है भाई, गई 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 ये रहा 5 प्लस माइनस डेल V की वैल्यू 0.30 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया इसका ओवरऑल आंसर। हाँ भाई, अब बोलो आया कि नहीं आया? आया। ठीक है, तो आज अपन ने दो टॉपिक पढ़े, कॉम्बिनेशन ऑफ द एरर इन प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ द एरर इन डिवीजन। क्लियर है? नहीं है, और उसके थोड़े एक आधे न्यूमेरिकल सेक्शन भी देख लिया। ओके बेटा, क्लियर? ओके, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।